हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू कम्पीट आई क्यू, योर गेट वे टू एग्जाम सक्सेस। आज हम करेंगे टॉप 25 GKGS MCQ PYQ प्रैक्टिस सेट, जिसमें हमने मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। ये सेशन आप लोगों को सभी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में हेल्पफुल होगा, जिसमें भी GKGS पूछा जाता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड लेट्स बिगिन। वर्ल्ड्स डीपेस्ट लेक इज डैश। लेक बैकाल जो है वो वर्ल्ड का डीपेस्ट लेक है एंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, लोकेटेड इन साइबेरिया रशिया। तो करेक्ट आंसर इसका है लेक बैकाल, लोकेटेड इन साइबेरिया रशिया एंड वर्ल्ड्स डीपेस्ट एंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। ब्लैक लंग डिसीज ऑकर्स इन पीपल वर्किंग इन ब्लैक लंग डिसीज। जो लंग्स ब्लैक हो जाता है वो किस वजह से होता है? कोल माइंस वर्कर्स के लंग्स में ये डिसीज पाया जाता है बेसिकली। तो करेक्ट आंसर इज कोल माइंस वर्कर्स। ओजोन लेयर इज एसेंशियल बिकॉज इट ऑब्जर्व्स मोस्ट ऑफ द डैश। ओजोन लेयर जो है मोस्ट ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सन से आता है डायरेक्टली वो एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस वजह से हम बहुत सारे डिसीजेस से बच जाते हैं, एज वेल एज हमारा टेम्परेचर एंड लिविंग कंडीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ओजोन लेयर। ये कौन सा एब्जॉर्ब करता है? गैस देन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यूवी रेज जिसको कहा जाता है। The most abundant element in Earth's atmosphere is dash. Most abundant जो है आप पिक्चर देख के बता सकते हैं, 78% एटमोसफेयर में नाइट्रोजन कंसिस्ट करता है, 21% कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस 0.96% जिसमें मोस्टली आर्गन है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है नाइट्रोजन। The poisonous gas accidentally released in Bhopal gas tragedy is dash. Bhopal gas tragedy मध्य प्रदेश का जो हुआ था वो methyl isocyanate gas के लीक होने से हुआ था। तो करेक्ट आंसर इसका है methyl isocyanate. Which of the following classes of chemicals can damage the ozone layer? ओजोन लेयर को क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स डैमेज कर सकता है, जिस वजह से बहुत सारे जगह पे अभी ओजोन लेयर में होल भी हो गया है ड्यू टू क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, एमिशन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो करेक्ट आंसर इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इन इंडिया आर नोन एज ए हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी? इंडिया में वेस्टर्न घाट्स को इज नोन एज अ हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो करेक्ट आंसर इज वेस्टर्न घाट। Which among the following is not a natural ecosystem? Following options में से जो natural ecosystem नहीं है वो है gardens. Gardens are man-made, लेकिन lake, pond, forest ये सब naturally occur हो सकता है, लेकिन garden जो है वो आप लोग खुद सजाते हो, so it is not a natural ecosystem, rather it is man-made. Acid rain is mainly caused due to the emission of which of the following two gases? Acid rain basically sulfur dioxide and nitrogen oxide के emission से होता है जो pollution cause करता है, and acid rain होता है। Correct answer sulfur dioxide and nitrogen oxide. Which of the following metal highly pollute the water? Arsenic highly pollutes the water. तो correct answer is arsenic. Which one is the first supercomputer developed in 1976? First supercomputer जो था जो 1976 में डेवलप हुआ था वो था क्रे वन, फर्स्ट supercomputer of the world, क्रे वन। साउंड पोल्यूशन बिकम्स हैजर्डस नॉइज एंड पोल्यूशन एट लेवल 10। साउंड जो होता है वो अगर अबव 80 डेसिबल हो तो वो पोल्यूशन कोस करता है एंड हैजर्डस नॉइज पोल्यूशन कोस करता है। तो करेक्ट आंसर इसका है अबव 80 डेसिबल। The act passed for air, water and soil pollution was air, water and soil pollution के लिए air act भी होगा, water act भी होगा, noise pollution act भी होगा, लेकिन तीनों के लिए जो एक act है वो है environment protection act 1986। तो correct answer is environment protection act 1986। What was the main aim of Kyoto Protocol? Kyoto Protocol किससे associated है? Then it is associated with climate change. Climate change को रोकने के लिए Kyoto Protocol साइन किया गया था। तो करेक्ट आंसर इज Kyoto Protocol climate change. Brown air means dash. Brown air photochemical smoke को कहा जाता है जो nitrous oxide, volatile organic compounds, sulfur oxide ये सब के sunlight के साथ react होने के वजह से होता है फोटोकेमिकल स्मोक, इसी को ब्राउन एयर कहा जाता है, जिसमें हैजी एंड ब्राउन हो जाता है एयर का कलर। तो करेक्ट आंसर फोटोकेमिकल स्मोक। द रेड डाटा बुक इज डॉक्यूमेंटेशन ऑफ रेयर एंड एंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स, फंगाई एट्सेट्रा, या तो फिर ऑल ऑफ दिस। करेक्ट आंसर ये सभी इंक्लूडेड होता है रेड डाटा बुक में, जो भी एंडेंजर्ड स्पेसीज होते हैं चाहे वो एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, फंगी हो। तो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिस। Which of the following is an example of man-made ecosystem? Following options में से जो man-made ecosystem का example है वो है aquarium. Aquarium जिसमें fish को रखा जाता है वो man-made है। तो correct answer is aquarium.
ऑप्टिकल चार्टर रीडर इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ डिवाइस? ऑप्टिकल चार्टर रीडर जो है इट इज एन इनपुट डिवाइस. तो करेक्ट आंसर इज इनपुट डिवाइस. विच अमोंग द फॉलोइंग फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स हैड? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कौन सा कंसिस्ट करता है? देन वैक्यूम ट्यूब्स एंड मैग्नेटिक ड्रम से बनाया गया था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर. करेक्ट आंसर वैक्यूम ट्यूब्स एंड मैग्नेटिक ड्रम. विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट सुपर कंप्यूटर सीरीज इज डेवलप्ड इन पुणे? इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा था? देन इट वॉज परम एंड इट वॉज डेवलप्ड इन पुणे महाराष्ट्र. तो करेक्ट आंसर इज परम.